आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं, जिसमें जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 87.98% छात्र पास हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, साल भर का इंतजार और आखिरकार आज ही का दिन जिसका इंतजार किया जाता है। देखिए, सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई की परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं में 87.98% छात्र पास हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 12वीं में 87.98% छात्र पास हो चुके हैं। उनकी मेहनत यहां पर रंग लाई है। 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। यह चौथे चरण का मतदान चल रहा है, 7 बजे शुरू हो चुका है मतदान चौथे चरण का, यानी 96 सीटों का। 284 सीटों पर पहले 3 चरण में मतदान हो चुका, 96 पर आज हो जाएगा। कुल मिलाकर आज के बाद हो जाएंगी 380 सीटें, फिर बचेंगे बस 3 चरण, और 3 चरण के बाद 4 जून को नतीजे। लेकिन आज 13 मई 2024 को चौथे चरण का बिल्कुल मिड पॉइंट पे पहुंचा हुआ है चुनाव। 13 मई की तारीख याद रखिए पंकज, 20 साल पहले 13 मई 2004 को ही नतीजे आए थे। पहली बार वो ईवीएम के नतीजे थे, पहली बार ईवीएम के नतीजे थे और सरकार को एक झटका लगा था। बिल्कुल, और इस बार 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो रहा है, 4 जून को फैसला होगा। इस बीच आपको बड़ी खबर एक और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। आज उनका वहां रोड शो होने वाला है, भव्य तैयारियां हुई हैं, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का है। और कल सुबह 11:40 पर प्रधानमंत्री वाराणसी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और इस मेगा शो पर न्यूज इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड से होगी। आपको दिखाएंगे पल पल की खबर वहां से। जी, और ग्राउंड पर हमारे साथी अभी भी मौजूद हैं, वो देखिए कन्नौज में अरुण सिंह दिख रहे हैं मुझे सुब्रत पाठक के साथ। शासन है, और कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी को टोक नहीं सकता। नहीं, इस प्रदेश में तो ये होता था कि 25,000-50,000 रुपये देकर भी किसी की हत्याएं हो जाती थी, और आज जानता है कि हम अगर किसी की हत्या करके आएंगे तो हम भी 2 दिन बचने वाले नहीं। तो ये देखो बहुत कुछ है। अरुण वहां मौजूद कन्नौज में, वहां सुब्रत पाठक को इस बार चुनौती दे रहे हैं खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। पिछली बार डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था कन्नौज से। बिल्कुल, और इस बार मुकाबला उनका अखिलेश यादव से, सुप्रीमो है वो समाजवादी। बहरहाल आज की खबर ये है कि लाइनें आज अच्छी खासी सुबह से दिख रही हैं, जगह जगह दिख रही हैं। बेगूसराय में मौजूद है चंद्रमोहन, वो देखिए वहां पर चंद्रमोहन लाइन लग गई है वहां पर काफी। बिल्कुल, सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर चकिया इलाके में एक स्कूल में देखिए किस तरह से 3 कतारें लगी हुई है और तीनों लंबी लंबी है। बीच में महिलाएं खड़ी हैं तो दूसरी तरफ जो है वो पुरुष खड़े हैं, और फिर अगर दूसरे तरफ आप जाएंगे तो एक तरफ देखिए किस तरह जगनमोहन रेड्डी वाईएस जगनमोहन रेड्डी कड़पा में वोट देने पहुंचे हैं।